यहाँ से ऑन कर दी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम कुछ पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखवाना था व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो हमने उसमें थोड़ा सा ये समझा था कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन, और इसकी जो सोर्स है मशीन की वो क्या थी, बताई थी आपको, एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी बिजली, और वो भी कौन सी टाइप, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डीसी करंट, उस पर ये ऑपरेट होता है। मतलब लो वोल्टेज करंट इसको रिक्वायर्ड होता है, हाई वोल्टेज पर ये नहीं चलता। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका टारगेट कंप्यूटर का क्या है, टारगेट कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, जिस पर ये क्या करता है, काम करता है, उसे हम कहते हैं डेटा। और डेटा को क्या क्या करता है, ये डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, और क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद स्टोर करता है, और क्या करता है, डेटा को स्टोर करने के साथ साथ प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, तीसरी चीज़ और बताई थी मैंने आपको, रिट्रीव करता है, चौथी चीज़ क्या, ट्रांसफ़र भी कर देता है, मतलब ये जो मैसेज वगैरह सेंड कर रहे होते हैं ये सारे काम हम इस पर कर रहे होते हैं। तो दूसरी बात, अब ये तो हो गया कंप्यूटर एक मशीन है जो कि सोर्स एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है और काम डेटा पे करती है, डेटा को प्रोसेस करती है, स्टोर करती है, रिट्रीव करती है और ट्रांसफ़र कर देती है। और बेसिकली कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज़ टू कैलकुलेट एंड कंपेयर डेटा, यानी कि ये ऑलवेज कैलकुलेट करता है और कंपेयर करता है गिवन डेटा को। तो ये हमने कल पढ़ा था और आज आगे चलते हैं। तो हमें पता चलता है देयर आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, नंबर वन सॉफ्टवेयर, नंबर टू हार्डवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमने थोड़ा सा समझा था हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होते हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन यूँ निकाली थी, ऑल फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स में, यू कैन से दैट के फिज़िकल पार्ट्स में क्या क्या आ गया, CPU आ गया, LCD आ गया, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, LED आ गया, जॉयस्टिक आ गया, जॉयपैड आ गया। तो ये सारी चीज़ें, जॉयपैड और इस तरह आपने कुछ और भी हार्डवेयर के नाम मुझे लिखकर बाद में सेंड करने हैं। मैं आपको एक टास्क भी दे रहा हूँ साथ साथ, राइट 15 हार्डवेयर नेम्स, ठीक है, एंड शेयर। ठीक है, ये हो गया, हाँ ये तो हो गए फिज़िकल पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी कंप्यूटर के हिस्से हैं। लेकिन अगर दूसरे एंड पे बात किया जाए सॉफ्टवेयर पे, तो आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो बेसिकली कंप्यूटर का इनसाइड कंपोनेंट है, मतलब कंप्यूटर के दो साइड्स हैं, एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है। मतलब अगर हम यहाँ पे शेप्स पे देखें, तो अगर हम यहाँ चले जाते हैं गूगल पर, तो मैं यहाँ से गूगल को ऑन कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाके मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर गूगल पर हमने कुछ सर्च किया हुआ है, और इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखें हमें क्या दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे क्लिक किया एंटर, तो ये देखिए इसने हमें कुछ चीज़ें दिखाई और इसने एक अच्छा सा कंपैरिजन भी दिया, जिसको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने कहा भाई ये जितने पार्ट्स हैं ये सब हार्डवेयर हैं, और ये जितने भी इसके अंदर वाले जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, जिनके लोगोज़ आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सब के सब सॉफ्टवेयर हैं। सो यहाँ से बात होती है कि कंप्यूटर का जो इनर पार्ट है, यानी कि जो अंदर इनसाइड CPU के अंदर कोई भी प्रोग्राम ये सारे इंस्टॉल होते हैं और दिखते स्क्रीन के ऊपर हैं, ये सब के सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जबकि जिसका आउटर पार्ट है, जो इसका बाहर फिज़िकल शेप्स हैं, जिसमें ये सारी डिवाइसेस आप देख रहे हैं, ये सब के सब इसके हार्डवेयर कहलाते हैं। ये सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है। तो आगे देखते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर ये चार बातें हैं, ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन इनसाइड स्क्रीन, तमाम कंप्यूटर के प्रोग्राम जो स्क्रीन के अंदर चल रहे होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम,
सॉफ्टवेयर जो है इंसानी प्रॉब्लम का सलूशन देता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड स्पेस टू अदर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर ही दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जगह देता है, सॉफ्टवेयर मेक हार्डवेयर फंक्शनल, और सॉफ्टवेयर ही आपके हार्डवेयर को कारामद बनाता है। इन चार स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें, पहली स्टेटमेंट की कि ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन इनसाइड स्क्रीन, तमाम कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्क्रीन के अंदर चल रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोग्राम सारे प्रोग्राम्स जो मैं चला रहा हूँ, जो आपके मोबाइल में चल रहे हैं, ये सब के सब सॉफ्टवेयर ही कहलाएंगे, यानी कि इनको किसी को भी हम हार्डवेयर नहीं कह सकते। इसी तरह सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर इंसानी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा होता है। देखिए आज हमें सॉफ्टवेयर कितने सलूशन दे रहे हैं, मुझे कुछ लिखना होता है तो नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, कुछ भी टाइप करने के लिए, इंटरनेट पे ब्राउजिंग करनी है तो गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है, लाइव क्लासेस लेनी है तो जूम एक सॉफ्टवेयर है, और अगर मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो अभी ऐसे एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैं चैटिंग कर रहा हूँ, डेटा को शेयर कर रहा हूँ, ये सारे काम हम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए, और इन सब चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पॉसिबल बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करना बेहतर तरीके से सीखेंगे, उतना ही अच्छा हम कंप्यूटर से काम ले पाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड स्पेस टू अदर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जो हैं दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए भी जगह देते हैं। इस बात को कैसे हम समझें, देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेन सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये देखें, ये जो पूरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जिसमें ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये टास्क बार नज़र आ रहा है, ये सारे प्रोग्राम आपको ओपन हुए हुए नज़र आ रहे हैं, ये डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, ये आइकन्स, ये पूरा जो मैनेजमेंट पूरा प्रोग्राम चल रहा है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम सेटिंग्स में जाके यहाँ से मालूमात ले सकते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो अबाउट सेक्शन में जाके हमें पता चला कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज़ 10, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, और इसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में चल रहा है ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये इसका बड़ा एक मेजर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो मामला है कि सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए स्पेस देते हैं, तो देखिए अगर मेरे या आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, जूम है, ओबीएस है, व्हाट्सएप है, वेबसाइट्स हैं, वीएलसी हैं, और ये ढेरों ढेर सॉफ्टवेयर जो मेरे डेस्कटॉप पर नज़र आ रहे हैं, और ये सारी एप्लीकेशन जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इनको हम नहीं चला सकेंगे, इनको यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनको चलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें तो एंड्रॉयड हमारे मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि मेन प्रोग्राम, और दीगर जो छोटे छोटे ऐप्स हम उस पर चला रहे होते हैं जिसमें VLC, गूगल क्रोम, नॉट और उसके ऊपर फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये सारे के सारे जो हैं वो ऐप्स हैं जो एंड्रॉयड पे चलते हैं। अगर हमारे मोबाइल में से एंड्रॉयड को रिमूव कर देंगे और कंप्यूटर में से विंडोज़ को रिमूव कर देंगे तो ये सारे ऐप्स नहीं चल पाएंगे। इससे ये बात जाहिर होती है कि एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर्स को चलने के लिए स्पेस देता है। और चौथी अगर स्टेटमेंट पे बात करें कि सॉफ्टवेयर मेक हार्डवेयर फंक्शनल, तो किस तरह से एक सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है। सो अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम एक नया कंप्यूटर ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ लिखते हैं ब्रांड न्यू कंप्यूटर, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया ब्रांड न्यू कंप्यूटर और ये आ गए हमारे सामने ब्रांड न्यू कंप्यूटर। अब ब्रांड न्यू कंप्यूटर ये आपके सामने रखा हुआ, यूँ एक समझे कि ये कंप्यूटर है, इसमें लाइट भी नहीं है, तो जब लाइट नहीं है तो ये ऑन नहीं हो सकेगा, और जब आपने इसको पावर दिया, लाइट दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, तो ये ऑन तो हो जाएगा, लेकिन इसको हम करेंगे क्या ऑन करके, ऑन करके इसके अंदर हमारा स्क्रीन के ऊपर जब तक जिस तरह इसमें प्रोग्राम नज़र आ रहा है वो प्रोग्राम हमें नज़र नहीं आएगा तो हम इससे कोई काम नहीं कर सकेंगे। अगर गेम्स में नहीं होगा तो हम गेम नहीं खेल सकेंगे, अगर इसमें हमारे मर्ज़ी के सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हम उस पर वो काम नहीं कर सकेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर ही हमारे इस हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है, कारआमद बनाता है। तो विदाउट सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है।
चाहे वो 1,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, अगर उसमें सॉफ्टवेयर वो मौजूद नहीं है जो हम चलाना चाह रहे हैं, तो वो किसी भी काम का नहीं है, वो किसी भी काम में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए आपको उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर उसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो हमारी चौथी स्टेटमेंट से भी ये बात जाहिर हो गई कि सॉफ्टवेयर ही हमारे हार्डवेयर को, मतलब हमारे CPU को, हमारे LCD को, हमारे कीबोर्ड को, हमारे माउस को फंक्शनल बनाते हैं, काम करने के काबिल बनाते हैं। अगर वो नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारा जो हार्डवेयर है वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो चारों स्टेटमेंट को अगर कंक्लूड करें तो ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम इनसाइड स्क्रीन जो चल रहे होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर स्क्रीन के बाहर नहीं होगा, स्क्रीन में दिखाई देगा और इंस्टॉल CPU की हार्ड डिस्क में होगा। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर ह्यूमन प्रॉब्लम, और सॉफ्टवेयर ही हमारे तमाम तर प्रॉब्लम के सोल्यूशन देते हैं, मतलब ये जितनी भी चैटिंग वेटिंग डाटा वगैरह सेव रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है सॉफ्टवेयर से ही हो रही है, और जितने सॉफ्टवेयर हमें समझ में आएंगे अच्छे तरीके से हम उनसे बेहतर काम ले सकते हैं। और तीसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए स्पेस देते हैं, मतलब हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारे कंप्यूटर में होगा तो वो दूसरे प्रोग्राम उस पर इंस्टॉल होंगे ना, गेम्स उस पर इंस्टॉल होंगे, अगर वो नहीं होगा तो वो कुछ भी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो सॉफ्टवेयर में एक हार्डवेयर फंक्शनल, और सॉफ्टवेयर ही हमारे हार्डवेयर को कारामत बनाता है। तो आगे चलते हैं, तो हमें पता चलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के और भी नाम हैं, मतलब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, मतलब कहीं पे हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स कह रहे होते हैं, कहीं पे सॉफ्टवेयर कह रहे होते हैं, तो बात एक ही है, प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर के लिए एक ही चीज़ को दो नामों से पुकारा जा रहा है। कहीं पर हम इनको एप्लीकेशंस भी कह रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं ये नोटपैड हमारी एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप हमारी एप्लीकेशन है, या गूगल क्रोम हमारी एप्लीकेशन है, तो कहीं पर हम इनको एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जहन में रहे कि कभी आपसे कोई कहे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसका मतलब भी सॉफ्टवेयर की ही बात की जा रही है। और कहीं पर हम इनको यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, तो यूटिलिटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बात एक ही है। और कहीं पर हम इनको ऐप्स के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर ऐप्स एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ के नाम हैं। और कहीं पर हम इनको सॉफ्ट कॉपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ऐप्स और सॉफ्ट कॉपी ये किस तरह से हैं। तो देखें, ऐप्स की मिसाल मैं देता हूँ कि जब आप हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये सारे मेरे क्या हैं, ये सारे मेरे सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर्स में हम इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जर्नली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, और ये भी देखें उन्हीं के लिंक्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड्रॉयड ऐप्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एंड्रॉयड ऐप्स पे क्लिक करूँगा तो देखें मोबाइल के अंदर आपको ये आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये मोबाइल स्क्रीन को अगर थोड़ी देर के लिए सपोज़ करें ये कंप्यूटर स्क्रीन है, तो देखें उसके ऊपर भी इस तरह से आइकन नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर भी ये आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं। कम मोबाइल के अंदर इन्हीं सॉफ्टवेयर को नाम दे दिया गया मोबाइल ऐप्स। अब इसको समझने की ज़रूरत यूँ थी कि कंप्यूटर में हम तो इनको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जान ही रहे थे, इतने सारे प्रोग्राम्स जो हम कंप्यूटर में यूज़ कर रहे थे पहले से, मोबाइल में उन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया ऐप्स। मतलब जब कोई कह रहा है प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, तो इट इज़ रिलेटेड टू द ही इज़ टॉकिंग अबाउट और शी इज़ टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। और जब वो कह रहा है ऐप्स, तो इट मींस वो जेन्युइनली बात कर रहा है मोबाइल के सॉफ्टवेयर की। मोबाइल के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से डिफरेंट होते हैं, मतलब मोबाइल का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर नहीं चल सकता और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर मोबाइल पर नहीं चल सकता। उसकी वजूहत ये होती हैं, मोबाइल में हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो एंड्रॉयड होता है और कंप्यूटर में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो विंडोज़ है। तो दोनों अलग अलग कंपनी के और दोनों के अलग अलग फॉर्मेट होने की वजह से दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर अलग अलग इंस्टॉल होते हैं। अगर तीसरे की बात की जाए एप्पल आईफोन की, तो एप्पल आईफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एप्पल iOS होता है। तो एप्पल iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी ऐप्स, क्योंकि वो मोबाइल में चल रहा होता है, उसके सॉफ्टवेयर अलग होते हैं और वो एंड्रॉयड पे नहीं चल सकते और एंड्रॉयड वाले विंडोज़ पे नहीं चल सकते और विंडोज़ वाले एप्पल पे नहीं चल सकते। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से, अलग अलग प्लेटफॉर्म होने की वजह से इनके सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट
नहीं होते हैं। तो मोबाइल के सॉफ्टवेयर को हम कह रहे होते हैं ऐप्स, और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हम कह रहे होते हैं सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, यूटिलिटीज़, वॉट एवर जो भी कह लें। अगर उनको भी ऐप्स कह देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐप्स प्रॉपरली मोबाइल के सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आते हैं वर्ड सॉफ्ट कॉपी पे। तो ये सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? देखिए, सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल ये जो आप एक मेरा फ़ोटो देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर है, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। इसका प्रिंट करके आप कार्ड पे ले लें तो ये हार्ड कॉपी बन जाएगा। इसी तरह ये पूरी प्रेजेंटेशन स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं तो ये सॉफ्ट कॉपी है, और जब इसको प्रिंट करके हम पेपर पे ले लेंगे या कार्ड पे ले लेंगे तो ये हार्ड कॉपी बन जाएगा। सॉफ्ट कॉपी मीन्स कोई भी सॉफ्टवेयर से क्रिएटेड कॉपी जो विद इन स्क्रीन, इनसाइड स्क्रीन आपको नज़र आए, और हार्ड कॉपी का मतलब है कि जब हम उसको प्रिंट आउट करके बाहर निकाल दें। तो ये टर्म भी आपको समझ में आनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, और ऐप्स और सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स भी आपको समझ में आने चाहिए। अब चलते हैं सॉफ्टवेयर के, तो डिफरेंट आइकन्स के तौर आपको दिखाया गया है कि देखें इसके डिफरेंट आइकन्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये एक डायग्राम बनाया गया है कि ये देखें ये आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है जिसके ऊपर पहले विंडोज़ इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और फिर यूज़र उसके साथ इंटरेक्शन में आ रहा होता है, और ये प्रोसेस कुछ इस तरह से चल रहा होता है। अब जब आगे चलेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तो हमें पता चलेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के भी फर्दर दो टाइप्स हैं जो मेजर टाइप्स कहलाती हैं इसकी, जिसमें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि पहले हमने सॉफ्टवेयर को समझा, अब सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि जैसे ह्यूमन की दो टाइप्स हैं, एक ह्यूमन तो एक ही चीज़ है, लेकिन ह्यूमन में दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मेल दूसरा होता है फीमेल, ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको पहले ज़रा पढ़ लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है, इट इज़ मेजर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इट फॉर्म्ड ऑफ मेनी अदर सॉफ्टवेयर, इट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल, इट माइट डिस्ट्रॉय सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू। कह रहा है कि ये जो मेजर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, मेजर ऑफ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर से मतलब इसका यहाँ पे ये है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कंपैरेटिवली साइज़ में जब ये इंस्टॉल होते हैं किसी कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर तो उससे ज़रा साइज़ में बड़े होते हैं, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए स्पेस देते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है, इट इज़ फॉर्म ऑफ मेनी सॉफ्टवेयर, तो काफ़ी सॉफ्टवेयर मिलकर ये एक सॉफ्टवेयर बनता है, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर इनके साथ जुड़कर काम करते हैं, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की शक्ल बनाते हैं, और इससे सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिर्फ इतना ही कि इट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल, और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे हार्डवेयर को काम करने के काबिल बनाते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड काम कर रहा है, माउस काम कर रहा है, कैमरा काम कर रहा है, माइक्रोफोन काम कर रहा है, टचपैड काम कर रहा है, स्क्रीन काम कर रही है, स्पीकर काम कर रहे हैं, ये सारे हार्डवेयर जो काम कर रहे हैं वो इन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बदौलत कर रहे हैं। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी करप्ट हो जाएगा तो ये काम नहीं करेंगे। और चौथी स्टेटमेंट को हम ये समझते हैं कि यही सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर को और अदर सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। मतलब ये एक तरफ तो ये कि ये सही काम भी कर रहे हैं, कारामद भी हैं, लेकिन यही हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसमें मौजूद दीगर सॉफ्टवेयर्स को ख़राब कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, और उन्हें करप्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मेजर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर की, पहली बड़ी इकसाम है, और दूसरी इकसाम होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आगे चलते हैं तो ये कंपैरिजन के ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज़ कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर के छोटा होता है, और ये दोनों मिलके ही काम कर रहे होते हैं, बल्कि ये वाले सॉफ्टवेयर इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं तो हमें पता पड़ता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उनकी भी फर्दर टाइप्स होती हैं। अब अगर हम देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें फर्दर टाइप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वायरस और एंटीवायरस शामिल हैं। मतलब सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर उसकी मेजर काइंड है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझना है तो उसकी फर्दर फाइव डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वायरस और एंटीवायरस, ये उसकी फर्दर टाइप्स हैं। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो आप उसको यही जवाब दे देंगे इन चारों स्टेटमेंट में से, कि प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर के साथ चलते हैं, प्रोग्राम का सलूशन देते हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर करने के लिए जगह देते हैं, और आपके हार्डवेयर को फंक्शनल बनाते हैं।
चारों स्टेटमेंट के बाद पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आपको जवाब दे सकते हैं कि भाई फर्दर इसकी दो टाइप्स होती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। फर्दर वो आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, तो आप कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर मेजर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है और यही हमारे हार्डवेयर को फंक्शनल कारामत बनाता है, लेकिन ये हमारे हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर को करप्ट भी कर सकता है। वो पूछता है भाई और बताएं इसके बारे में, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, तो आप बता सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले टॉप पर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ड्राइवर्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वायरस, एंटीवायरस। ये भी सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं जो अभी आप सीख भी रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं और आगे सीखेंगे, तो ये आप उनको फर्दर बता सकते हैं कि ये उसकी फाइव टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इस तरह से एज मिलेगा। तो अब थोड़ा सा सम अप करते हैं और यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था कंप्यूटर के बारे में, जिसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू किया कि कंप्यूटर एक मशीन है और ये मशीन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक पर चलती है, डेटा इसका सोर्स नहीं है, टारगेट है, ऑब्जेक्ट है जिस पर ये काम करती है, जिसमें प्रोसेस करती है, स्टोर करती है, रिट्रीव करती है, ट्रांसफ़र करती है डेटा को, और इसका बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का है टू कैलकुलेट एंड कंपेयर। ऑलवेज डेटा को ये कंपेयर करता है, कैलकुलेट करता है, और इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं जिससे मिलके बनता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर में मैंने कुछ नाम बताया और आपको असाइनमेंट भी दी कि आपने राइट द 15 हार्डवेयर नेम, और अब एक और असाइनमेंट ले लें, राइट द नेम ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम लिख के आपने सेंड करने हैं, फिर राइट द नेम ऑफ फाइव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ फाइव ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर आपने आगे मुझे लिख के भेजना है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के बाद। एक और सवाल था वो जहन में आ रहा था, हाँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितनी टाइप होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो भी आपने बताना है। तो इस तरह से, अच्छा, अब एक चीज़ रह गई थी जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू नहीं किया। कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो डेटा होता है ये क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेटा होता है, डेटा के बारे में क्या बताया था याद है आपको, कि भाई डेटा जो होता है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, डेटा के बारे में क्या बताया था मैंने, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है, डेटा है। डेटा को मैंने एग्जाम्पल दिया था, डेटा इज़ नाउन। अब नाउन की डेफिनेशन को याद करेंगे तो आपको डेटा भी समझ में आ जाएगा। डेटा कैन बी एनी थिंग, वो कोई नाम हो सकता है, वो कोई प्लेस हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई मेजरमेंट हो सकती है, वो कोई थॉट हो सकती है, वो कोई कैलकुलेशन हो सकती है, वो कोई वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट से मिला हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, वैल्यूज़ हो सकती हैं, प्राइस हो सकती हैं, ये सारी टाइप्स डेटा की हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि बेसिक टाइप क्या है डेटा की, बेसिकली डेटा हमें अल्फ़ाबेट में मिलेगा, नंबर फॉर्म में मिलेगा, और इन दोनों से मिला जुला मिलेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप का मिलेगा। और एडवांस फॉर्म डेटा की मैंने क्या बताई थी आपको, कि वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में मिलेगा, ठीक है, इमेजेस की शक्ल में मिलेगा, वीडियोस की शक्ल में मिलेगा, ऑडियोस की शक्ल में मिलेगा, म्यूज़िक की शक्ल में, मेलोडी की शक्ल में, सॉफ्टवेयर की शक्ल में, गेम्स की शक्ल में, ये सब हमारा डेटा है जो हमारे मोबाइल में और हमारे कंप्यूटर में सेव हो रहा होता है, और हमारा कंप्यूटर इसी को स्टोर करता है, इसी को प्रोसेस करता है, इसी को रिट्रीव करता है और इसको ट्रांसफ़र कर देता है एक दूसरे कंप्यूटर मोबाइल पर यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और जो मैंने टास्क आपको दिए हैं वो आपने लाजमी करके मुझे सेंड करने हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बना के भेज दें एक वीडियो के ऊपर, उस पर एक्सप्लेन करें कि जो आज आपने सीखा उसको ऊपर एक्सप्लेन करें और फिर मुझे सेंड करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप इसमें अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं।